नमस्कार, मैं हूँ अजदेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। इस समय पैरामेडिकल एंड नर्सिंग के स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हुए बहु प्लाजा की ये तस्वीरें हैं। ये आप ये देखिए, तमाम पैरामेडिकल और नर्सिंग के बच्चे बोपी को लेके जो है जनाब ये प्रदर्शन कर रहे हैं बहु प्लाजा की। ये सुबह की ये तस्वीरें, ये आप ही देखिए, लड़कियां बेचारी सुबह से जो है यहाँ पे खज्जल हो रही है। ऑफिस के बाहर बाहर भी गई थी लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए लगातार प्रदर्शन, लेकिन अभी तक जो है इन बच्चों का कोई हल नहीं निकला। बातचीत करेंगे, आखिर क्या पूरा मामला है, इनसे बातचीत करेंगे। ये इस समय जो है ये देखिए तमाम लड़कियां प्रदर्शन करती हुई। वीडियो पे बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके लिए 3 दिन की काउंसलिंग रखी हुई थी, 7, 8 और 9। ठीक है, 2 दिन पहले भी बच्चों को, जिस दिन पहले दिन 7 को बच्चों को बुलाया, रात को कोई शाम को इतनी दूर से आए, 3 दिन से बच्चे स्टे कर रहे हैं होटल में, 3 दिन से बच्चे स्टे कर रहे हैं होटल में, इतनी दूर से डेली से अप डाउन भी कर रहे हैं। दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म लगा इन्होंने 2000 कुछ फॉर्म फिल किए, ठीक है, कुछ फॉर्म फिल किए मैम, किसने 1000, किसने 2000 दिए। अभी जब काउंसलिंग हुई है ये बोल रहे हैं हमारे पास 900 सीटें थी जो है वो फिल हो गई हैं, बाकी बच्चे जो अभी ये बोल रहे हैं। और भी है लड़के, इनसे बातचीत करते हैं, अब बताएंगे क्या मसला हुआ है यहाँ पे। सर, हम आए थे कल सुबह, पुणे से निकले थे हम 7 बजे, तो नोटिस में दिया हुआ था कि आज काउंसलिंग है नाउ को, तो सर हम सुबह जहाँ यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे 7 बजे तो यहाँ पे ऑफिस को लॉक लगा हुआ था, तो सर आए, सर बोलने लगे बच्चों आप वापस जाओ, तो आप जाओ वापस, आपकी काउंसलिंग नहीं है। सर हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सीट हमें चाहिए, हमारी काउंसलिंग हो या फिर जिन बच्चों की हुई है उनकी भी। आपने ऊपर बातचीत करने की कोशिश की क्यों सीट आप? हमने हम सुबह से वहीं पे थे, उन्होंने गेट को लॉक कर दिया सर, सुबह से हम वहीं पे थे। ये देखिए जनाब गेट लॉक है, बेचारे बच्चे सुबह से इतनी दूर से आए। जी बताइए, हमारा आज एग्जाम था। हाँ, हमारा आज एग्जाम था। हम पुणे से आए। आपने आज कौन सा एग्जाम देना था जो आप छोड़ कर आए? इग्नो का था फाइनल। हम काउंसलिंग के, हाँ हम काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आगे, तो आगे बोरे आप अपने टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप चले जाओ वापस। हाँ ऐसे, हाँ मैम ने बोला टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप। मैम हम बराबर 7:30 यहाँ पे पहुँच गए। हाँ मैम, हम कल सुबह निकले हुए 6 बजे से पुणे से। नहीं नहीं, हम दोनों था मेरे छोटा, मैम मेरे साथ मेरा भाई छोटा आया, तो उसकी उधर थी काउंसलिंग, मैम वो छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे आया, वो हमें यहाँ पे छोड़ के। चलिए देखिए, इतनी दूर दूर से पुंछ से जो है ये बच्चे आए हैं और गेट को ताला लगा दिया गया है, और भी बच्चे इनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या बताएंगे, क्या क्या उसका? देखिए मैं तो बेसिकली पुंछ से हूँ, अभी मैं यहाँ, मेरी काउंसलिंग थी आज, तो जब हम यहाँ पे आए सुबह मॉर्निंग के 7 बजे के आए हुए हैं, उसके बाद जैसे हम आए ये सीनियर्स लोग आ रहे हैं यहाँ पे ऑफिस में, और उसके बाद वो हमें अचानक से कह रहे हैं कि आप लोगों की जो है आप लोग घर वापस चले जाओ, सीटें बुक हो चुकी हैं। अगर ऐसा था तो हमें इन्हें पहले बताना चाहिए, तो हमारी काउंसलिंग नहीं करना चाहिए थे। हम लोग कितने लोग, कुछ डोडा बदवा किश्तवाड़ से, कुछ कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इतना इन्वेस्ट करके, और हमारा अगर इन केस हो भी गया सीट बुक तो तुम लोगों ने फॉर्म्स कैसे लिए यार, ये चीज भी तो होनी चाहिए। अगर सीट बुक होगी, अंदर 5-10 लड़कियां बैठी हैं अंदर, उनको कैसे ले रहे हैं ये लोग, ये सब पार्शियलिटी चल रही है। हमें कुछ नहीं सुना, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसी करेंगे, वो भी पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। हमें यही है कि हमारी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, एग्जाम हमारा होना चाहिए, हम ऑलरेडी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमने पहले से 2 साल से हम वेट कर रहे हैं, 2 साल से हमारा टाइम वेस्ट हो गया, अभी हमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम का वेट करो, तो वो पॉसिबल। आपने बातचीत करने की कोशिश की थी ऊपर की? बातचीत करने की कोशिश की, वो अपने नए नए लॉजिक्स लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी सीट्स निकली थी, इतने बच्चे थे, हो गया, कैसे हो गया, तो हमारे फॉर्म्स कैसे लिए आप लोगों ने, ये भी तो हमें क्लियर करो ना। अगर आप लोगों के पास इतनी सीट थी, बच्चे आपने सिलेक्ट कर लिए, तो हम लोग किस कैटेगरी में, ऊपर से इनका नया लॉजिक है कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी लेके कर रहे हो तो बाकी सब कहाँ जाएंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा टाइम खराब हो रहा है ना, इन लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है। अभी सब अपने अपने अपना
अपना बातें बोलकर चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन कहाँ से इतनी दूर से सुबह से मॉर्निंग से हम यहाँ पे दर पदर हो रहे हैं। लेकिन गेट लॉक लॉक गेट अंदर से लॉक कर दिया उनने और वो सब अंदर चल गए और हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हमने मेन रोड पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, वहां से पुलिस आ गई। मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है राइट ही नहीं हमें किसी चीज का कि हम अगर प्रोटेस्ट करें किसी चीज का, अगर हम हक रखते वो हमारे लिए है नहीं। और मुझे ना सीरियसली इस चीज का बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग जे एंड के में रह के हमारे अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि सुना है यहाँ पे कुछ प्रेग्नेंट लड़कियां भी आई हुई हैं। आप यार मैं बोल रही हूँ 3 मंथ्स के बेबी लेके आई है, उन लोगों को वो भी नहीं दिख रहा कि वो लेडीज भी है अपने परिवार मैरिड लेडीज आ रही है, कितना प्रॉब्लम होता है कितना दिक्कत होता है वो चीज उनको कुछ नहीं दिख रही है। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि हमारी सीटें फुल होगी और आप लोग जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यार हमें तो फर्क पड़ रहा है, हमारा फ्यूचर हमारी एज निकल जाती है। हमारा कितनी फीस भरी थी? देखो हमारे 2000 कॉलेज में हमारे 2 साल पहले हमारे फॉर्म्स की लेट थी और हमें श्योरिटी दे रही थी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जब हम यहाँ आ रहे हैं उसके बाद हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों का टाइम अभी नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो सकता, अब आप जाओ आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ये कैसे बोल सकते हैं हमें? फिर हमें पहले मना कर देना चाहिए था ना, हमारे फॉर्म्स क्यों फिल करवाए? अगर सालों की मेहनत की होती है ऑब्वियस है यार, 3 साल से हम वेट कर रहे हैं। पहले तो कोरोना का सब सिस्टम चल गया था, उसके बाद से अब ये सब, अब इन लोगों के नए लॉजिक्स आ गए कि अभी सीट्स इतनी थी वो फुल हो चुकी है। हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें भी काउंसलिंग मिलनी चाहिए, हमारा एंट्रेंस होना चाहिए, बस हमें यही है। जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि आप इन्हें कहीं ना कहीं लीड भी कर रहे हैं। जी तो सुना है यहाँ पर प्रेग्नेंट लड़कियाँ भी आई हुई हैं, यहाँ पर ये सभी सुबह 6-6 बजे से पहुँचे हुए हैं, आप इसके बारे में जरा बताइए। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है बोपी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अगर काउंसलिंग की डेट निकाली थी, 3 सेगमेंट्स में इन्होंने डेट निकाली थी, आज 3रा दिन है काउंसलिंग का, तो आज नियर अबाउट हमारे कोई 1000 बच्चों का आज काउंसलिंग थी। तो इन्होंने गोपी जो जहाँ पे है बोपी वाले, इन्होंने क्या कर दिया था, कल शाम को ही एक इनको सबको मेल कर दिया, मैसेज कर दिया कि अब हमारे पास सीट क्लोज है। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर आप ANM प्राइवेट कॉलेज जो भी है ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट से, अगर उनके पास 100% सीट्स थी, मैंने सर से बात की कंट्रोलर सर से, वो कह रहे हैं हम सिर्फ 20% लेटर एडमिशन GNM वालों को लेंगे, जो 80% बच्चे वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले इनका हक है, जिन्होंने 2 साल ANM में निकाले हैं, अब उनको GNM करना है, तब जाके वो आगे अपनी BSc नर्सिंग कर सकते हैं, MSc नर्सिंग कर सकते हैं। इनका फ्यूचर तो यही बंद हो जाएगा, 940 अगर आपने लिए, बाकी 2700 बच्चों में से कहाँ जाएंगे? अब मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के साथ, हम आज बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि कम से कम जितने उन्हें आपने ANM करवाया उतनी ही GNM की सीटें अलॉट करवाएं सभी प्राइवेट कॉलेजेस को, गवर्नमेंट कॉलेजों, ताकि ये सभी बच्चे एब्जॉर्व हो सके और अपनी फ्यूचर स्टडीज है वो कर सके। तो अब आगे क्या कदम रहेंगे? अभी हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, आज हम कोई मतलब अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं, क्योंकि आज ही ये ब्लंडर हुआ, आज ही जो भी बच्चों के साथ हुआ आज ही हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को लगे या कोई मिसगाइड हो या कोई और आगे इनको मिसगाइड करे, हम चाहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट हो और उन तक ही आवाज जाए। अभी आपने कुछ देर पहले रास्ता भी ब्लॉक किया? हाँ, हमने कोशिश की थी रास्ता ब्लॉक करने की, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है, हम ऐसे नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज भी है, कुछ के साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं मिसगाइड ना हो। और सभी यूथ है, यूथ को एकदम से कुछ भी मतलब, एक तो यूथ की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्या पता किसी तरह की कोई हार्म्स हो इनके साथ, तो क्योंकि बहुत सारी बाहर की सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिसयूज ना करें बच्चों को, तो और इसमें मैक्सिमम गर्ल्स हैं, तो यही चाहते हैं हम कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, यहाँ पे कोई ना कोई आए। मेरी तो रिक्वेस्ट है DC साहब को आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मसला है, कम से कम 1000 बच्चों का है मसला है। ठीक, तो जनाब ये अभी देखे तमाम बच्चे जो है नाराज है, क्योंकि रातों रात ऑर्डर निकलता है कि जनाब सीटें फुल हो चुकी है, और ये अभी देखे एक बार फिर से देखिए, ये तमाम लड़कियां जो है दूर दूर से आई हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे। फिलहाल ऐसे ही बने रहिए जम्मू लद्दाख विजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।